Hello students, today's lesson is A Bicycle in Good Repair. This is basically the story of a bicycle. The narrator one evening accepted his friend's proposal to go for a long ride. The next day, his friend came and examined the narrator's bicycle. He declared that the first wheel was unsteady. So he took the front wheel and held it between his legs. The narrator was too weak to check the friend from doing further mischief. At the end of the story, his friend cleaned himself and the narrator then sent him home, and he also lost his temper and tried to punish the bicycle. There was a small fight between the man and the machine, and it was difficult to decide who had suffered more, the friend or the bicycle. So let's read. A man I knew proposed one evening, we should go for a long bicycle ride together on the following day. And I agreed. एक मैन था, एक इंसान था, आदमी था जिसको मैं बहुत टाइम से जानता था. उसने मुझे एक शाम को सुझाव दिया कि हमें साथ में साइकिल से एक लंबी सवारी पर जाना चाहिए, जिससे मैं सहमत भी हो गया. I got up early for me. मैं नेक्स्ट डे जो था जल्दी उठ गया. I made an effort और मैंने प्रयास किया and was pleased with myself और मैं खुद से बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था. He came half an hour late, वो आधे घंटे लेट आया. I was waiting for him in the garden और मैं गार्डन में बगीचे में उसका इंतज़ार कर रहा था. It was a lovely day, ये बहुत ही प्यारा दिन था. He said that's a good looking machine of yours, how does it run? उसने मुझे बोला कि तुम्हारी साइकिल है वो देखने में तो अच्छी है, बट चलती कैसे है? ओह, लाइक द मोस्ट ऑफ देम, जैसे सारी चलती है वैसे मेरी भी चलती है, मैंने जवाब दिया. इजिली इनफ इन द मॉर्निंग, गोज अ लिटिल स्टिफी आफ्टर लंच. तो वो कहता है कि सुबह तो अच्छी चल जाती है, हल्की चलती है काफ़ी, बट दोपहर के बाद थोड़ा स्टिफली, मतलब थोड़ा भारी सी हो जाती है. ही कॉट hold of it by the front wheel and the fork and shook it violently. उसने क्या किया, उसका आगे सामने वाला पहिया है जो व्हील है उसको पकड़ा और उसको फोक से, फोक बेसिकली इसे काटा, उससे उसने उसको बुरी तरह से हिला दिया. I said don't do that, you will hurt it. मैंने उसको बोला कि ऐसा मत करो, इसको कोई नुकसान हो जाएगा. I did not see why he should shake it. मुझे नहीं पता उसने इसको क्यों हिलाया. इट हैड नॉट डन एनी थिंग टू हिम, ये उसका कोई लेना देना नहीं था इस चीज़ से. बिसाइड्स इफ इट वॉन्टेड सेकिंग, आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू सेक इट, और अगर उसको हिलाने की ज़रूरत भी थी तो वो मैं था जो उसको अच्छे से हिला सकता था, बिकॉज आई एम द ओनर ऑफ दैट बाइसिकल. आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड ही स्टार्टेड वेकिंग माई डॉग. मुझको ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उसने मेरे कुत्ते को पीटना शुरू कर दिया है. ही सेड दिस फ्रंट व्हील वॉबल्स, उसने बोला कि ये सामने वाला जो पहिया है इसमें लचक है, ये हिल रहा है. आई सेड इट डजंट इफ़ यू डोंट वॉबल इट, मैंने उसको बोला कि नहीं इसमें लचक नहीं है अगर तो इसको तुम नहीं हिलाते. इट डिड नॉट वॉबल, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वॉबल, और इसमें कोई लचक नहीं है किसी भी तरह की, ये सच है इसे हिलाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है. ओके, देन ही सेड दिस इज़ डेंजरस, हैव यू गॉट अ हैमर, कि उसने बोला कि ये ना बहुत ही ख़तरनाक है, क्या तुम्हारे पास एक हथौड़ा है, हैमर. आई ऑट टू हैव बीन फर्म बट आई थॉट दैट परहैप्स ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट द बिजनेस. मुझे इतना श्योर नहीं था लेकिन मैंने सोचा कि शायद उसको इसके बारे में कुछ पता होगा. I went to the tool shed to see what I could find. और मैं जो टूल सेट था, जो औजार वाला शेड था, उसके अंदर गया और देखा कि अगर मुझे हथौड़ा मिलता है या नहीं मिलता. When I came back, जब मैं वापस आया, he was sitting on the ground with the front wheel between his legs. जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि वो जो फ्रंट व्हील है उसको अपने पैरों के बीच रख के बैठा हुआ था. He was playing with it, और वो उसके साथ खेल रहा था, मतलब उसको घुमा रहा था. Twiddling, twiddling होता है घुमाना, it round, उसको गोल गोल घुमा रहा था. बिटवीन हिज फिंगर, अपनी उंगलियों से द रेमिनेंट ऑफ द मशीन, रेमिनेंट होता है बचा हुआ हिस्सा, बचा हुआ पार्ट जो बाइसिकल का था, वॉज लाइंग ऑन द ग्रेवल पाथ बिसाइड हिम.
वो जो बचा हुआ हिस्सा था, वो जो नीचे पड़ा हुआ था, पथरीला रास्ता था, वहाँ पे पड़ा हुआ था। ही सेड इट लुक्स टू मी एज इफ द बियरिंग वर ऑल रॉन्ग। उसने बोला कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बियरिंग ख़राब हो गया है इसका। आई सेड डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर। मैंने उसको कहा कि तुम इसके बारे में इतना ज़्यादा चिंता क्यों कर रहे हो, मत करो। यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, तुम अपने आप को थका लोगे, थक जाओगे तुम। लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ। इसको हम वापस से लगा देते हैं और चलते हैं। ही सेड वी मे एज वेल सी वॉट इज़ द मैटर विद इट। उसने कहा ठीक है, लेकिन पहले देख लेते हैं कि इसके साथ खराबी क्या, इसमें खराबी क्या होगी, इसके साथ क्या बात है। नाउ इट इज़ आउट, और अब वो निकाला जा चुका है। जो उसने फर्स्ट व्हील था वो निकाल लिया था। अब वो कह रहा है कि जब ये बाहर आ ही चुका है तो इसको देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। ही टॉक्ड एज दो इट हैड ड्रॉप्ड आउट ऑफ बाय एक्सीडेंट। वो बात तो ऐसे कर रहा था जैसे उसने, जैसे मतलब गलती से निकल गया हो ये, लेकिन उसने खुद निकाला था। बट ही वॉज टॉकिंग लाइक दैट बिफोर आई कुड स्टॉप हिम। इससे पहले मैं उसको रोकता, ही हैड अनस्क्रूड समथिंग समवेयर। उसने कुछ ना कुछ वहाँ से निकाल दिया था। इससे पहले मैं उसको रोकने जाता, उसने क्या किया, थोड़ा कुछ उसका था, पेज था, उसको निकाल लिया, ढीला कर दिया, अनस्क्रू। एंड आउट रोल्ड ऑल ओवर द पाथ सम डजन और सो लिटिल बॉल्स। और छोटी छोटी जो बॉल्स थी, छोटी छोटी जो गोलियाँ थी, वो सारे रास्ते में बिखेर दी उसने। कैच दैम, ही शाउटेड, कैच दैम। उस फिर वो चिल्ला रहा था कि उनको पकड़ो, उनको पकड़ो। वी मस्ट नॉट लूज एनी ऑफ देम। उनमें से एक भी गुम नहीं होनी चाहिए। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दैम। और वो उनके बारे में बहुत ज़्यादा उत्तेजित लग रहा था, उत्सुक लग रहा था। ही ग्रोवल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर एंड फाउंड 16। वो लगभग आधे घंटे तक नीचे पड़े पड़े उनको ढूंढ रहा था, और उसने 16 गोलियां थी वो उसको मिल गई थी। ही सैड ही होप्ड ही हैड गॉट देम ऑल। और वो ऐसा बोल रहा था कि उसको उम्मीद है उसको सारी की सारी मिल चुकी हैं। बिकॉज क्योंकि इफ़ नॉट, अगर नहीं मिली हैं, इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन। तो जो मशीन है, जो बाइसिकल है जिसको वो दोबारा से जोड़ना है उनको, उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा, वो नहीं जुड़ पाएगी। आई पुट देम फॉर सेफ्टी इन माई हैट। और इसलिए मैंने क्या किया, अपनी हैट में, अपनी टोपी में उनको बॉल्स जो हमने नीचे से उठाई थी उसको उनमें डाल दिया। इट वॉज़ नॉट ए सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट। मुझे पता है कि एक सेंसिबल थिंग, एक बुद्धिमानी वाला काम नहीं था, बट फिर भी मैंने कर लिया। ही देन सेड दैट वाइल ही वॉज अबाउट इट ही वुड सी टू द चेन फॉर मी। तब उसने मुझे कहा कि जब वो ये काम कर रहा है तब तक उनसे जो चेन है वो देख लो, वो ठीक चल रही है या नहीं चल रही। एट वंस बिगिन टेकिंग ऑफ द गियर केस। और जो उसने गियर का डब्बा था उसको उतारना शुरू कर दिया। आई डिड ट्राई टू डिस्यूड हिम फ्रॉम दैट। मैंने उसको रोकने की पूरी कोशिश की ऐसा ना करे। आई टोल्ड हिम वॉट एन एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड ऑफ माइंड वंस सेड टू मी सोलेमनली। मैंने उसको बताया कि एक मेरा एक्सपीरियंस, मतलब अनुभवी जो मित्र है, उसने मुझे सोलेमनली, होता है गंभीर रूप से, ठीक है, मुझे बताया था, मुझे बोला था, इफ़ एनी थिंग गोज़ रॉन्ग विद योर गियर केस, अगर तुम्हारे गियर केस डिब्बे के साथ कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, सेल द मशीन एंड बाय अ न्यू वन, इट कम्स चीपर। तो अपनी जो साइकिल है उसको बेच देना और एक नई साइकिल है वो ख़रीद लेना, वो सस्ती पड़ेगी। ही सैड पीपल टॉक लाइक दैट हुड अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन्स। वो कह रहा है कि लोग ऐसी बातें करते हैं जिनको उनके बारे में, बाइसिकल के बारे में, साइकिल के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वो लोग ऐसी बातें कर लेते हैं। नथिंग इज़ ईजियर दैन टेकिंग ऑफ ए गियर केस। उसने कहा कि गियर के डिब्बे को निकालने से ज़्यादा ईजी काम कोई नहीं है। आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट। इस बात पर तो मुझे पक्का था कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, मुझे मानना पड़ेगा। इन लेस देन 5 मिनट्स, 5 मिनट से भी कम में, ही हैड द गियर केस इन 2 पीसेस। उसने गियर के डब्बे को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, लाइंग ऑन द पाथ, जो रास्ते पे पड़े हुए थे। एंड वॉज ग्रोवलिंग फॉर स्क्रूज। और वो स्क्रू के लिए अभी भी क्या कर रहा था, ढूंढ रहा था, तलाश कर रहा था पेच के लिए। ही सैड इट वॉज ऑलवेज अ मिस्ट्री टू हिम द वे स्क्रू डिसअपियर्ड। और उसने बोला कि हमेशा उसके लिए एक रहस्य है, जैसे स्क्रू पेंच जो है वो गुम हो जाता है, उसके लिए आज तक मिस्ट्री बना हुआ है। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी। और कॉमन सेंस जो है, मतलब मेरी जो विवेक बुद्धि है, वो मुझसे बार बार कह रही थी स्टॉप हिम, उसको रोको, बिफोर ही डज एनी मोर मिसचीफ, इससे पहले वो और कोई गड़बड़ कर दे, उसको क्या करें, रोक लो।
you have a right to protect your own property from the ravages of a lunatic. तुम्हारे पास क्या होता है, पूरा हक होता है कि आप जो है अपने आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो संपत्ति है, उसको ख़राब होने से बचा सको. टेक हिम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक. मेरा मन बहुत कर रहा था कि मैं उसको उसकी गर्दन उसकी कॉलर पकड़ के उसको मार दूँ एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट, और उसको लात मार के अपने गेट से दरवाजे से बाहर फेंक दूँ. बट आई एम वीक, लेकिन मैं कमज़ोर लग रहा था उस वक्त. व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर्स फीलिंग अदर पीपल्स फीलिंग, लेकिन मैं उस वक्त कमज़ोर हो जाता हूँ जब मैं दूसरे लोगों की भावनाओं को चोट पहुँचाने की बात आती है. एंड आई लेट हिम मड अलोन, और मैंने उसको वैसा करने दिया, उसको मड अलोन गड़बड़ी करने दी. ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रूज, और उसने बचे हुए जो पेच बच गए थे उनको देखना शुरू किया. ही सेड स्क्रूज हैड अ नैक ऑफ टर्निंग अप व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड देम. उसने बोला कि जब तुम कम उम्मीद करते हो ना कि पेच वापस से मिल जाए तुम्हें. एंड दैट नाउ ही वुड सी टू द चेन, और अब वो चेन के लिए देख रहा था, चेन को ढूंढ रहा था. ही टाइटन इट, उसने उसको टाइट किया, उसको कसा. वुड नॉट मूव, जब अगर वो ना हिले तब तक उसको कसता रहा, और वो हिल रही थी. नेक्स्ट ही लूजन इट अनटिल इट वॉज ट्वाइस एज लूज एज इट वॉज बिफोर, और उसके बाद उसने क्या किया, उसको लूजन कर दिया, उसको ढीला कर दिया. कितना ढीला कर दिया कि वो पहले से दुगनी ढीली हो गई. ट्वाइस एज लूज एज इट वॉज बिफोर, वो पहले जितनी लूज थी उससे ज़्यादा लूज हो गई. देन ही सेड वी हैड बेटर थिंक अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक इनटू इट्स प्लेस अगेन. फिर वो बोल रहा है कि हमें ना अब क्या करना चाहिए, हमें जो पहले वाला पहिया था जो हमने निकाल दिया था उसको वापस से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, उसको वापस से लगाने की कोशिश करनी चाहिए. आई हैड द फोक ओपन, मैंने जो फोक था जो चिमटा था उसको ओपन कर लिया. एंड ही वरिड विद द व्हील, और अब वो जो व्हील है उसके साथ क्या कर रहा था, झूम रहा था कभी इस साइड कभी इस साइड. एंड द एंड ऑफ 10 मिनट्स, और लास्ट की जो 10 मिनट बचे हुए थे, आई सजेस्टेड ही, मैं उसको सुझाव दिया, ही शुड होल्ड द फोक, उसने कि तुम्हें फोक को चिमटे को पकड़ लेना चाहिए. एंड देन आई शुड हैंडल द व्हील एंड वी चेंज्ड प्लेस, और मैं है जो व्हील को उसकी जगह पर लगा दूंगा और हम दोनों को अपनी जगह बदल लेनी चाहिए. एट लेंथ वी डिड गेट द थिंग इन टू पोजिशन, और एट लेंथ मतलब एट लास्ट, अंत में हमने क्या किया, अपनी स्थिति थी उसको चेंज किया और उसको सही जगह पे लगा दिया. एंड द मोमेंट इट वाज इन पोजीशन, और जैसे ही वो सही पोजीशन में सही जगह पे फिक्स हो गई, ही बर्स्ट आउट लाफिंग, वो जोर जोर से हंसने लग गया. आई सेड व्हाट्स द जोक, मैंने कहा इसमें हंसने की क्या बात है, मजाक क्या चल रहा है. ही सेड वेल आई एम एन एस, उसने कहा ठीक है मैं एक गधा हूँ. It was the first thing he had said that made me respect him. वो पहली बात ऐसी थी जिससे मुझे लगा कि हाँ मुझे इसकी इज्जत करनी चाहिए. I asked him what had led him to the discovery. मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्या था कि तुम्हें ऐसी खोज करनी पड़ गई ऐसा. He said we have forgotten the balls. उसने कहा अरे हम गोलियाँ तो भूल ही गए. I looked for my hat. मैंने अपनी हैट में देखा जहाँ पर मैंने वो रख दी थी 16 balls. It was lying topsy-turvy in the middle of the path. और वो सड़क जो हमारी हेड थी वो सड़क के बीच में उल्टी होकर गिरी हुई थी. ही वॉज ऑफ अ चीयरफुल डिस्पोजिशन, वो एक चीयरफुल डिस्पोजिशन मतलब खुश मिजाजी इंसान था. ही सेड वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड, उसने कहा कि जितनी हमें मिल रही हैं उतनी हम उसको आपस में डाल देते हैं एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस, और भगवान पर इसको छोड़ देते हैं, भगवान पर विश्वास रखते हैं. वी फाउंड 11, हमें सिर्फ 11 गोलियाँ मिली. वी फिस 6 ऑन वन साइड एंड 5 ऑन द अदर, हमने 5 एक साइड लगा दी और 6 एक साइड लगा दी. एंड हाफ एन आवर लेटर द व्हील वॉज इन इट प्लेस अगेन, और लगभग आधे घंटे के बाद दोबारा जो व्हील है जो पहिया है वो अपनी जगह पर लगा दिया गया. इट नीड हार्डली बी एडेड दैट इट रियली डिड वॉबल नाउ, और अब जो है ये सच में कहना पड़ेगा कि वास्तव में वो पहिया ना हिलने लग गया था. ही इट नीड हार्डली बी एडेड दैट इट रियली अ चाइल्ड माइट हैव नोटिस्ड, इतना हिल रहा था कि एक छोटा सा बच्चा भी उसको पहचान लेगा कि हाँ ये हिल रहा है. ही सेड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट, और उसने कहा कि अभी हम वर्तमान में मतलब अभी फ़िलहाल हम इससे काम चला लेते हैं.
I said, watching you do this is of real use to me. मैंने बोला कि ये सब तुम्हें करते हुए देखना मेरे लिए सच में क्या यूज़फुल है, लाभदायक है. इट इज़ नॉट ओनली योर स्किल दैट फैसिनेट्स मी, इट इज़ योर चीरी कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. ये सिर्फ तुम्हारा कौशल ही नहीं है जो मुझे अपने तुम्हारी तरफ फैसिनेट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, बल्कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा आत्मविश्वास भी है. योर इनएक्सप्लिकेबल योर चीरी कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, तुम्हारा खुद में जो आत्मविश्वास है वो भी है. योर इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस दैट डस मी गुड, और तुम्हारा जो आशावादिता नेचर है वो भी मेरे को कुछ अच्छा सिखा रहा है, मुझे अच्छी लगी वो सब बातें. दस इनकरेज्ड ही सेट टू वर्क टू रिफिक्स द गियर केज. और इतना मैंने जब उसको इनकरेज कर दिया, उसको बढ़ावा दिया, उसको प्रोत्साहन किया, तो वो गियर केज को दोबारा से लगाने में जुट गया. ही स्टूड द बाइसिकल अगेंस्ट द हाउस. उसने साइकिल को घर के सहारे खड़ा कर दिया. एंड वर्कड फ्रॉम द ऑफ साइड, और दूसरी तरफ से काम करने लग गया. देन ही स्टूड अगेंस्ट अ ट्री. फिर उसने उसको एक पेड़ के सहारे पे खड़ा कर दिया. एंड वर्कड फ्रॉम द ऑन साइड, और फिर दूसरी साइड से काम करने लग गया. देन आई हेल्ड इट फॉर हिम, और फिर मैंने उसके लिए, उसकी मदद करने के लिए उसको पकड़ लिया. वाइल ही ले ऑन द ग्राउंड विद हिज हेड बिटवीन द व्हील्स. जबकि वो ज़मीन पर लेटा हुआ था, उसका सिर जो था वो दोनों जो व्हील हैं, दोनों पहिए हैं, उनके बीच में था. एंड वर्कड एट इट फ्रॉम बिलो, और वो उसके नीचे से काम कर रहा था. एंड ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ, और उसने अपने आप पर तेल जो था वो गिरा लिया. देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी, और उसने फिर वो मुझसे वापस ले लिया. एंड डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट टिल ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड स्लिड ओवर ऑन टू हिज हेड. तब उसने क्या किया, मुझसे वो उसको मुझसे दूर कर लिया, और अपने आप को दोबारा उसी कंडीशन में करके अपना संतुलन खो दिया उसने. हिज लॉस्ट हिज बैलेंस, अपना संतुलन खो दिया, और अपने सिर के बल वो फिसल गया. देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर एंड ट्राइड बर्निंग द थिंग. उसने फिर अपना टेम्पर, मतलब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और उसने जो मशीन थी उसको पटकना शुरू कर दिया, द बाइसिकल साइकिल. आई वॉज ग्लैड टू सी, मैं खुश था देखकर. शॉर्ट स्पिरिट, उसने भी खूब जोश दिखाया. एंड द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स डीजनरेटेड इन टू लिटिल एल्स देन ए रफ एंड टम्बल फाइट बिटवीन हीम. और जो प्रक्रिया थी, जो कार्रवाई थी, वो ऐसी चल रही थी, मशीन और उसके बीच में, दोनों के बीच में घमासान युद्ध शुरू हो गया. वन मोमेंट द बाइसिकल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ. एक समय ऐसा आया जब जो साइकिल थी वो रास्ते पे गिरी हुई थी. एंड ही ऑन टॉप ऑफ इट, और वो उसके ऊपर था. द नेक्स्ट, और दूसरे पल में द पोजिशन वुड बी रिवर्स्ड, वो नीचे था और साइकिल उसके ऊपर थी. ही ऑन द ग्रेवल पाथ द साइकिल ऑन हिम, वो नीचे था और साइकिल उसके ऊपर थी. वो द ग्रेवल रास्ते पे पड़ा हुआ था और साइकिल उसके ऊपर आ गई थी. और एक मोमेंट पे क्या हुआ, वो कभी नीचे था साइकिल उसके ऊपर, तो कभी वो ऊपर साइकिल नीचे. नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लस्ट विद विक्ट्री. अब जो है वो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं उसने क्या जीत लिया है, वो इतनी खुशी से खड़ा हुआ. द बाइसिकल फॉर्म्ड फिक्स्ड बिटवीन हिज लेग्स, और जो साइकिल थी वो उसके पैरों के बीच में एकदम फर्म, एकदम दृढ़ता से खड़ी, कसी हुई खड़ी थी. बट हिज ट्रम्फ वुड बी शॉर्ट लिव्ड, लेकिन उसकी जीत थी वो कुछ ही पल के लिए थी. बाई सडन, अचानक से, क्विक मोमेंट इट वुड फ्री इट सेल्फ. एंड अचानक से क्या हुआ कि जो तेज़ी से हलचल हो रही थी और जो हैंडल है उसने अपने आप को फ्री कर लिया. टर्निंग अपॉन हिम, उसकी तरफ मुड़ते हुए, शार्पली ओवर द हेड विद वन ऑफ इट्स हैंडल. हैंडल होता है उसका पकड़ने वाला, एक हाथ से पकड़ने वाला था, वो बहुत ही तेज़ से उसके सर पर आके लग गया. एट अ क्वार्टर टू वन, और लगभग पौने एक बजे, डर्टी एंड डिजेबल्ड, एकदम डर्टी मतलब गंदा था, और डिजेबल्ड मतलब मैल से सना हुआ था. कट, उसके कट्स हो गए थे, कट गया था वो. एंड ब्लीडिंग, और खून निकल रहा था. ही सैड, उसने कहा, आई थिंक दैट विल डू, और उसने कहा कि मेरे ख्याल से ये दैट विल डू, वो काम करेगी साइकिल जो, वो काम करेगी. एंड रोज एंड वाइप्ड हिज ब्रो, और वो उठा और उसने अपना माथा पोछा.
The bicycle looked as if it also had had enough of it. साइकिल है वो ऐसी दिख रही थी कि उसने भी बहुत काफ़ी कुछ सहा है. Which had received most punishment, it would have been difficult to say. उसको इतनी ज़्यादा पनिशमेंट मिली थी, इतनी ज़्यादा सज़ा मिली थी कि कुछ भी कहना उसके बारे में बहुत मुश्किल था. I took him into the back kitchen where, मैं उसको पीछे वाले रसोईघर में लेके गया जहाँ पर so far as was possible, जितना दूर ले जा सकता था. He cleaned himself, जितना दूर में उसको लेके जा सकता था मैं लेके गया. ही क्लीन हिमसेल्फ, उसने अपने आप को साफ़ किया. देन आई सेंट हिम होम, और फिर मैंने उसको घर पर वापस भेज दिया.